नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम करो टिप्स एंड ट्रिक्स में। आप रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आने वाले टाइम में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो या रेलवे परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो, तो जीके के लिए अगर जो बुक्स की बात करें, बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अभी मुझे एक नई बुक देखने को मिली, किरण पब्लिकेशन खान सर की ये बुक है, सामान्य अध्ययन की। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। और अगर जो आप मुझसे पूछोगे, अभी मैं स्टार्टिंग में बता देता हूं, मैं किसी बुक के बारे में स्टार्टिंग में नहीं बताता, लेकिन अभी इस बुक के बारे में मैं स्टार्टिंग में बता देता हूं। अगर जो आप कहोगे क्या सर ये बुक ले लेनी चाहिए, मैं कहूंगा हाँ बाबू ले लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप मार्केट से ले लो, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से कहीं से ले लो, लेकिन ये बुक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है, स्पेशली जीके के लिए। जीके के लिए अब क्यों बोल रहा हूं भाई, मैं आप कहोगे सर ऐसे ही बता रहे, नहीं है, ये बुक मेरे पास है। मैंने अभी देखो लगातार रेगुलर मैं किताबों के वीडियोज बना रहा हूं, ठीक है। तो ये बुक मेरे पास है, यहाँ पे देख सकते हो, रेलवे 27,000 प्लस फैक्ट्स प्रीवियस ईयर पेपर सार संग्रह बाई खान सर सामान्य अध्ययन ईयर वाइज एंड टॉपिक वाइज पॉइंटर्स 1992 से 2021 तक के रेलवे में जितने भी पूछे गए प्रश्न वो आपको देखने को मिल जाएगा। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन क्लिक करो, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते रहा, ठीक है। सामान्य अध्ययन के लिए 1992 से लेकर 2021 तक के पूरे गए पूछे गए प्रश्न, ठीक है, सारे एग्जाम्स की वो कवर करता है, एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी जीआरएफ जितने भी रेलवे के पेपर हुए हैं, ठीक है, सारे एग्जामों के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक। अब क्या कैसे इसमें दिया गया मैं एक बार आपको बता देता हूं, देख सकते हो आपका 1992 से लेकर के 2021 तक के रेलवे के पेपर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे पहला पेज अगर जो मैं यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं बताऊँ इस तरीके से दिया गया है, जैसे आपका पहला पेज पे लिखा आरआरबी कोलकाता परीक्षा 1992, ठीक। इसमें 1992 का आरआरबी कोलकाता का जो पेपर हुआ था उसमें इतिहास से कौन से क्वेश्चन आए थे, इतिहास दे दिया, उसके जो भी क्वेश्चन आए थे दो तीन क्वेश्चन वो दे दिया, फिर भूगोल दे दिया, उसके दो तीन वन लाइनर क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज है, वन लाइनर क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से बनाया गया है कि भाई साइंस से कौन से क्वेश्चन आए थे 1992 वाले पेपर में, इससे कौन से क्वेश्चन आए थे। इस प्रकार से मुझे ये वाली किताब पहली ऐसी किताब देखने को मिली है जो इस प्रकार से, जैसे स्पीडी आपने देखा था स्पीडी में, लेकिन आपका 1992 कोलकाता दिया तो उसमें सारे प्रश्न आपका दे देता था, ये प्रश्न आए थे साइंस से, लेकिन इसमें आपका डिवाइड कर दिया कि भाई ये क्वेश्चन आया था ये इस मतलब चैप्टर से आया था, इस बुक से आया था या फिर इस सब्जेक्ट से आया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बुक देखने को मिल जाती है, ठीक। आपका आरआरबी 1994 भोपाल, और सीधा ये बात करें 2021 तक का टोटल है, 21 तक का टोटल है। और यहाँ पे देखो एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था ना, जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था वो पूरा 135 शिफ्ट का पेपर यहां तक पूरा दिया गया है, यहां तक पूरा दिया गया है, ठीक। तो एक नजर में मैंने देखा, फिर मुझे अच्छा लगा, फिर कहा मैंने अपने छात्रों को, जो भी बच्चे देख रहे हैं उनसे भी बोलना चाहिए कि इस बुक को लो और पढ़ाई करना शुरू कर दो। रेलवे 27,000 फैक्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सार संग्रह, आपका एनटीपीसी रेलवे की कोई भी परीक्षा उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, एनसीआरटी पैटर्न पर आधारित है, एनसीआरटी क्या कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बात करें सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये कहां से लेना है, मार्केट से भी ले सकते हो, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके भाई करो, बहुत अच्छी बुक है, मुझे पसंद आई, आप भी ले सकते हो। चलिए मिलते हैं क्लास में। और भी अगर जो आप किसी वीडियो बुक के बारे में चाहते हो कि सर वीडियो बनाओ के बताओ, तो आप कमेंट करके बताना, मैं उस पर जरूर बताऊंगा, ठीक। चलिए मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।